सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST वर्गों के भीतर सब कैटेगरी बनाने की इजाजत दे दी। मायावती और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं ने इसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन देश की बड़ी पार्टियां इस बारे में अपने कदम फूंक फूंक कर रख रही हैं। मंगलवार को कांग्रेस ने इस बारे में अपना रुख तय करने के लिए खड़गे के घर एक बड़ी बैठक की, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा पार्टी के तमाम दलित चेहरे शामिल हुए। इस बैठक के बाद जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस अगले कुछ दिन में व्यापक चर्चा के बाद अपना स्टैंड क्लियर करेगी। करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष हमारे कांग्रेस राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करेंगे और हमारे अलग अलग देश, अलग अलग प्रदेश कांग्रेस कमिटी जो हैं, उनके नेताओं, उनके अध्यक्ष से भी बात करेंगे और अगले कुछ ही दिनों में कांग्रेस पार्टी अपना फैसला तय करेगी इस निर्णय को लेकर। जयराम रमेश ने यह साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में कांग्रेस जाति जनगणना की मांग पुरजोर ढंग से उठाएगी। साथ ही जयराम ने कहा कि आरक्षण की 50% सीमा को खत्म करने के लिए संविधान संशोधन लाया जाना चाहिए। जो 50% का सीमा लगाया गया है दलित, आदिवासी और ओबीसी आरक्षण को लेकर, SC/ST और ओबीसी के आरक्षण को 50% का सीमा जो लगाया गया है, उस पर जो हमने मांग की है, राहुल गांधी जी ने भी की है, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने भी की है कि हमें एक संविधान का संशोधन लाना चाहिए ताकि ये 50% सीमा हटाया जाए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के ज्यादातर दलित नेता कोर्ट के फैसले के खिलाफ थे। उन्होंने SC/ST आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने के फैसले का विरोध किया। यूं भी कोर्ट के खिलाफ ढेरों दलित संगठनों में काफी गुस्सा है। यहां तक कि कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। 21 अगस्त को SC/ST में सब कैटेगरी बनाने के फैसले के खिलाफ भारत बंद भी बुलाया गया है। खास बात यह है कि कांग्रेस को अब इस तपिश का एहसास हो रहा है, जबकि कोर्ट के फैसले के फौरन बाद कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकारें इस फैसले का स्वागत कर चुकी थीं। अब कांग्रेस ने यह तय किया है कि आने वाले कुछ हफ्तों तक मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के तमाम मुख्यमंत्रियों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ मुलाकात करेंगे। साथ ही बातचीत सिविल सोसाइटी संगठनों से भी की जाएगी। इसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। दलितों में सब कैटेगरी बनाने के फैसले का BSP और आजाद समाज पार्टी ने पुरजोर विरोध किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की RPI और चिराग पासवान की LJP भी इस फैसले के खिलाफ हैं। राजस्थान की भारत आदिवासी पार्टी ने भी फैसले के खिलाफ आवाज उठाई है, जबकि जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवामी मोर्चा और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कोर्ट के फैसले के साथ खड़े हैं। यूपी में दलितों के बीच तेजी से पैठ बना रहे चंद्रशेखर आजाद ने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहां तक कहा कि SC/ST जातियों के बीच बढ़ती एकता के कारण डिवाइड एंड रूल की नीति को अपनाया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक पॉलिसी हमने अंग्रेजों के समय से सुनी थी, डिवाइड एंड रूल। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एकजुटता सरल कास्ट सरल ट्राइब के लोगों में हो रही है, उसको तोड़ने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इख्तियार किया जा रहा है। अभी मुझे इसमें यह भी जानकारी करनी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जिन जजों ने ये ऑर्डर किया है उसमें से SC/ST के कितने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप वर्गीकरण करना ही चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। भाई वहां तो लंबे समय से कुछ ही परिवारों का कब्जा किया, और चलो SC/ST OBC को तो आप घुसने नहीं दे रहे हो, लेकिन क्या सामान्य जाति के लोगों में अवसर नहीं है, तो उनको भी आप मौका नहीं दे रहे हो। तो अगर आपको करनी है किसी वर्गीकरण की शुरुआत तो शायद वहीं से की जाए, सर्वोच्च संस्था नीचे से क्या करना चाहते हो। कांग्रेस की मौजूदा रुख से साफ है कि पार्टी पूरे मामले में वेट एंड वॉच की रणनीति पर चल रही है। देखा जाए तो कांग्रेस ये देखना चाहती है कि देश में दलितों के सब कैटेगराइजेशन के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शन कितना जोर पकड़ते हैं। सड़कों पर विरोध की आग अगर ज्यादा भड़की तो कांग्रेस भी इस फैसले के खिलाफ खड़ी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश की दलित और आदिवासी राजनीति में काफी उठापटक होने की संभावना है, क्योंकि अब दलित और आदिवासी एक समुदाय नहीं रह जाएगा,
इनमें भी अलग अलग छोटे बड़े वर्ग खड़े हो जाएंगे। ऐसे राज्य जहां दलित और आदिवासी आबादी अच्छी खासी है, वहां अलग अलग उपजातियों के कई नेता उभर सकते हैं, जिसका असर चुनावी राजनीति पर पड़ना भी तय है। बहरहाल, दलित संगठन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ 21 अगस्त को भारत बंद की तैयारी भी कर रहे हैं। चुनाव आज तक।